अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। इसके लिए हमने 750 ग्राम मटन ले लिया है। इसमें 2 नलियां भी है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। हमने धोकर इसे अच्छी तरह रख लिया। 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये काजू का पेस्ट हमने बना के रख लिया है, और ये प्याज को तल कर इसको इस तरह पेस्ट बना लिया है, और ये 1/2 कप दही है। दही में हम और मसाले ऐड करेंगे, और ये है खड़े मसाले। इसमें हमने लिया है ज़ीरा और बड़ी इलायची, 1-3 छोटी इलायची, दालचीनी और 3 तेज़पत्ते और 1 बादियां और 4 काली मिर्च। अब हम इस दही में अपने मसाले ऐड करते हैं। हमने इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्चियों का पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है 4 टेबल स्पून और हल्दी 1 चम्मच के करीब। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ऐसा करने से दही के फटने के चांस बहुत कम होते हैं और मसाले भी अच्छी तरह से भून जाते हैं। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ऑयल कुकर में रख लिया है, और कुकर में हमने जो पहले हमने प्याज तली थी वही ऑयल है। उसमें हमने घी भी 2 टीस्पून ऐड किया है। अब हम मसाले को, खड़े मसालों को ऐड करेंगे। जब वो थोड़ा हल्का सा सिजल करने लगेंगे, उसके बाद हम अपने जो मटन है उसमें ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अच्छी तरह से इसे चला लेंगे तो हमारे मटन में अच्छी सी खुशबू पैदा हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, वो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे, और इसे भी इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। अदरक लहसुन 30 सेकेंड में भून जाएगा। हम नमक भी इस पॉइंट पर ऐड करेंगे कि हमारे मटन में अच्छी तरह से नमक चढ़ जाए, इससे ये और अच्छी तरह से भून जाएगा। अब हम इसमें जो हमने दही में मसाले ऐड करे थे वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे, और इसे भी लगातार अच्छी तरह चलाते हुए भूनेंगे ताकि मसाले हमारे गोश्त में अच्छी तरह से मिल जाए। और अब हम इसे 1/2 ढक्कन ऐसे इस तरह कर रख के कुकर का इसे 10 मिनट तक हम इसे अच्छा धीमी आँच पर भूनेंगे ताकि दही हमारी अच्छी तरह से पक जाए और ऑयल अच्छी तरह से सरफेस पे आ जाए। ये देखिए, दही का पानी एकदम सूख चुका है, ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाकर रखा था ना, तली हुई प्याज का, वो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे। इसे भी भून जाने देंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, खुशबू तो अभी से ही बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे नीचे जले नहीं, और अब हम इसमें लीड लगा देंगे कि हमारे मटन अच्छी तरह से गल जाए। इसलिए हम 3 से 4 इसकी सीटी आ जाने के बाद इसे खोल देंगे, जब तक हमारे मटन भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। 3 सीटियां आ चुकी है, हमने इस तरह से करके पूरी सीटियों को निकाल लिया था। ये देखिए, अब हम लीड खोलते हैं। ये देखिए, ये कितना अच्छा तैयार हो चुका। अभी थोड़ा बाकी है, गोश्त तो अच्छी तरह गल चुका है। ये देखिए इसका अरोमा कितना अच्छा हुआ है, इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। अब हम इसमें जो हमने काजुओं का पेस्ट बना कर रखा था वो इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे सारा, और इसे भी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे ताकि काजू भी हमारे, काजू को तो पकने टाइम नहीं लगता, लेकिन अच्छी तरह से इसमें खुशबू आ जाए। ये देखिए, और अब हम इसमें जायफल का, हमने देखिए इस तरह से इसे क्रश कर लिया है, और इस पॉइंट पर इसमें जायफल ऐड करेंगे। आप इसमें केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, और ये हमने गरम मसाले ऐड किए 1/2 टीस्पून के करीब। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे, और इसे फिर से 1/2 ढक्कन ढक के 2 मिनट तक और पकने देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, ये भी अच्छी तरह से पक चुका है। ऑयल साइड में दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ी देर के बाद इसमें और ऑयल दिखाई देगा। ये देखिए, हमारा मटन कोरमा बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।